हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हम लोग 8th क्लास के मैथ्स में 20th नंबर चैप्टर देख रहे थे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है, जिसमें क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में मैंने आपको बताया था, एक दो मैंने क्वेश्चन भी कराए थे। ठीक है, तो इसमें जो है 14th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं आप। ठीक है, इसमें लिखा है ए रिवर 2 मीटर डीप एंड 45 मीटर वाइड। तो डीपनेस आपको दे रखी है रिवर की 2 मीटर और वाइडनेस आपको दे रखी है 45 मीटर। इसमें बोल रहा है फ्लोइंग एट द रेट ऑफ, फ्लोइंग रेट है आपकी 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट, यानी एक मिनट में कितना वाटर सी के अंदर चला जाएगा रिवर का। ठीक है, तो आप ये देखिए, सबसे पहले तो आप ये निकाल लीजिए कि जो आपकी रिवर है उसका एरिया कितना है। भाई जितना उसका एरिया होगा क्रॉस सेक्शन का, उतना ही पानी उसके अंदर से फ्लो होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवर। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ ये आप, यही तो हो गई लेंथ आपकी, कितनी हो गई डीपनेस आपकी 2 और ब्रेथ आपकी हो गई 45। ठीक है, तो ये हो गया एक्चुअली आपका 90 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया हो गया आप किसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया किसका, रिवर का। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम बात करें तो उसने दिया हुआ है कि फ्लोइंग रेट आपकी 3 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये मीटर में, तो इसको भी आप मीटर में चेंज कर लीजिए, तो फ्लोइंग रेट जो होगी आपकी वो होगी 3000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 3000 किलोमीटर पर आवर। अच्छा मिनट में बात कर रहा है, तो आइए ये और कर लेते हैं कि 3000 बाई 60, तो ये हो जाएगा आपका मीटर, जो तो हट ही गया, मीटर पर मिनट। ठीक है, देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका 50 मीटर पर मिनट। ठीक है, अब देखिए क्या मिल गया आपको। अब आपको देखिए एरिया मिल गया और आपको लेंथ मिल गई, तो आपको लिखना होगा यहाँ पे कि क्वांटिटी या वॉल्यूम भी बोल सकते हैं हम, क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, रन्स इनटू सी इक्वल क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रिवर मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ फ्लोइंग। ठीक है, तो ये आपको पता है एरिया क्रॉस सेक्शन 19, रेट ऑफ फ्लोइंग है आपकी 50 मीटर, तो ये भी कितना है, ये आपका देखिए मीटर स्क्वायर है, ये मीटर बाई मिनट है, ये मीटर है। ठीक है ना, इसको मैं स्मॉल एम से लिख देता हूँ, तो ये कितना हो गया 90 इंटू 50। देखिए मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर और मीटर, तो ये मीटर क्यू हो गया और ये क्या हो गया, मिनट हो गया, इसको कैपिटल एम से, इसको स्मॉल एम से। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका आपको दिख नहीं रहा, ये देखिए दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर स्क्वायर मीटर क्या हो गया, मीटर क्यूब, और स्मॉल मीटर यानी कि मिनट, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मिनट। ठीक है ना, कन्फ्यूजन ना हो दोनों एम एम में। ये कितना हो गया आपका 4500 मीटर क्यूब पर मिनट, यही आपसे पूछा था, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 21 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का है। इसमें कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन रिक्वायर्ड टू मेक एन ओपन बॉक्स हुज एक्सटर्नल डायमेंशंस आर, एक्सटर्नल डायमेंशंस है आपकी 36, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सटर्नल डायमेंशंस क्या है आपकी 36 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और इंटू आपका 60.5 सेंटीमीटर, ये एक्सटर्नल डायमीटर है। ठीक है, अच्छा बॉक्स आपका खोल रहा है ऊपर से, ठीक है ओपन बॉक्स बोल रहा है।
बॉक्स बींग 1.5 सेंटीमीटर थिक थ्रू आउट, यानी पूरी तरफ से वो कैसा है 1.5 सेंटीमीटर कैसा है थिक है। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेट्स 8.5 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉक्स इन किलोग्राम। तो दो चीज़ें आपसे पूछी गई, एक तो वॉल्यूम और एक वेट पूछा गया है आपसे। तो देखिए ये एक्चुअली होगा किस टाइप का, मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। वैसे अच्छा नहीं बनेगा डायग्राम क्योंकि 3D होगा। देखिए डायग्राम अच्छा बना नहीं है आपका, पर आप समझ सकते हैं इसको। देखिए मोटाई यानी कि थिकनेस आपको दे रखी है ये चीज़, देखिए ठीक है। और ये आपको जो दी हुई है ना, ये एक्सटर्नल डायमेंशन दी है, ये एक्सटर्नल डायमेंशंस दी गई हैं आपको, ठीक है। अंदर की डायमेंशन यानी ये वाली और ये वाली, ये नहीं दी गई हैं आपकी, इंटरनल डायमेंशंस जिसको बोलते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, ये थिकनेस है आपकी, यहाँ से भी थिकनेस है, यानी यहाँ से भी 1.5, यहाँ से भी 1.5। अगर एक्सटर्नल में से 1.5 यहाँ से 1.5 यहाँ से माइनस कर देंगे तो आपका ये इंटरनल निकल जाएगी, ठीक है ना। तो इसी टाइप से निकालेंगे, लेकिन ध्यान आपको रखना है इसमें एक चीज़ का। देखिए किसका ध्यान रखना है कि जब बॉक्स खुला है यानी ऊपर से खुला है, तो ऊपर से जब खुलेगा तो आप ये देखेंगे इसकी जो इंटरनल लेंथ होगी ना, उसमें से सिर्फ आप इसी थिकनेस को माइनस करेंगे क्योंकि ऊपर से तो वो बंद नहीं है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक्सटर्नल और देखिए हमको वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या करेंगे बाहर वाले एक्सटर्नल वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो आपको पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा इसका, ठीक है। देखिए समझते हैं इसको, पहले आप बाहर वाले का निकाल लीजिए वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आउटर सरफेस, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये देखेंगे मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर टाइम लगेगा इसलिए मैं लिख ही देता हूँ डायरेक्ट 14850 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इंटरनल डायमेंशन लिखेंगे पहले, तो इंटरनल डायमेंशन क्या होंगी, देखिए 36 में से 3 माइनस करेंगे क्योंकि थिकनेस आपको दी हुई है इसमें। देखिए थिकनेस आपको जो दी हुई है वो दी हुई है आपकी 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से, तभी तो आपकी ये निकलेगी, ठीक है ना। तो यानी 1.5 यानी डेढ़ और डेढ़ कितना हो गया, 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी 33 सेंटीमीटर। इसी टाइप से आपका 25 में से आप 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 22 सेंटीमीटर। लेकिन ये 16.5 जो आपकी क्या है हाइट है, हाइट में से सिर्फ आप इतना ही माइनस करेंगे क्योंकि ऊपर से तो ये खुला हुआ है, ठीक है ना। तो ये आएगी आपकी 16.5 माइनस का 1.5, तो ये हो जाएगी आपकी 15 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम आप निकाल लीजिए, तो वॉल्यूम विद इंटरनल डायमेंशंस इक्वल टू वही 33 × 22 × 15। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, मिल जाएगा आपको 10890 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब देखिए जो एक्सटर्नल आउटर सरफेस का जो वॉल्यूम आया और इनर वाले का, इनमें से माइनस कर दीजिए तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा किसका, बॉक्स का। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ ओपन बॉक्स इक्वल टू 14850 माइनस 1090, तो ये आप माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 15 में से आपका 9 जाएगा तो 6, 7 बचेगा, कैरी लेंगे आप तो 17 में से 8 जाएगा तो 9, यहाँ क्या बचेगा 3 3 आ गया, और 1 का यानी इतने सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम है, ठीक है। एक आंसर तो आपका ये हो गया। अच्छा एक चीज़ इसने आपसे बोली है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन की जो वेट है वो है 8.5 ग्राम, तो आपके पास तो इतना सेंटीमीटर क्यूब है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3960 × 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 3960 × 8.5 ग्राम, तो ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 33
660 ग्राम, ठीक है, ये आपका सेकेंड आंसर होगा। इसको आप किलोग्राम में भी चेंज कर सकते हैं, तो आपका आ जाएगा 33.66 किलोग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए एक 28 क्वेश्चन है, इसमें लिखा है आपसे द डायमेंशंस ऑफ ए मेटल ब्लॉक आर 2.25 मीटर बाय 1.5 मीटर बाय 27 मीटर। तो डायमेंशन अपना आपकी तिरक्की में लिख ही देता हूँ, डायमेंशंस ऑफ मेटल ब्लॉक इक्वल टू 2.25 मीटर बाय 1.5 मीटर सेंटीमीटर बाय, सॉरी ये भी मीटर है आपका, बाय 27 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात देखिए, इसमें थोड़ी आपको दे रखी है ये मीटर मीटर या सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर इंटू आपका बाय 1.5, सॉरी ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर और बाई 27 सेंटीमीटर आपको दिया है, तो सारे सेंटीमीटर में हो गए, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है इट इज़ मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू क्यूब्स, ठीक है ना, यानी इसको पिघला कर छोटे छोटे क्यूब बनाए गए हैं, ईच साइड इज़ 45 सेंटीमीटर, और उस छोटे छोटे क्यूबों में हर की साइड मतलब ईच की साइड यानी कितनी है 45 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है कितने क्यूब आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जो बड़ा ब्लॉक है उसके वॉल्यूम में से आप जो एक ब्लॉक बनाए उसके वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ या फिर डायरेक्टली लिख लेते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक स्मॉल लिख लेते हैं, स्मॉल ब्लॉक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक ऑफ होल मेटल ब्लॉक, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ब्लॉक, ठीक है बस। तो देखिए बड़े वाले का वॉल्यूम क्या आएगा, डायमेंशंस आपको दे रखी हैं 225 इंटू 150 इंटू 27। अच्छा छोटा वाला क्या है आपका, छोटा वाला आपका देखिए क्यूब बनाया गया, क्या बनाया गया क्यूब, और उसकी साइड आपको 45 दे रखी है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है आपका साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड का क्यूब होता है आपको पता है, ठीक है। अब इन सबको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ये आपका आएगा 10, ठीक है, 10 आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन है आपका लास्ट 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज वाइज अच्छा है, शायद आपको लैंग्वेज से समझ में ना आए। देखिए क्या बोल रहा है, ए सॉलिड क्यूबिकल बॉक्स ऑफ फाइन वुड कॉस्ट ₹156 एट 500 पर मीटर क्यूब, ठीक है ना, यानी कि आपने एक क्यूबिकल बॉक्स लिया है जिसकी जो एक्चुअली कॉस्ट आती है वो आती है पर मीटर क्यूब की ₹500, लेकिन आपने कितने रुपये खर्च करे हैं 256 रुपये, तो आपको बताना है कि 256 रुपीज़ में आपने कितना वॉल्यूम लिया है वुड का, और लेंथ ऑफ ईच साइड भी आपको उसकी बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब वन मीटर क्यूब अरे कॉस्ट ऑफ वॉल्यूम लिखेंगे ना, कॉस्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब 500 रुपीज़, ठीक है, यहाँ तक बात। अच्छा अब इसमें आपको ये चेक करना है कि 256 क्या है भाई, तो 256 आपका क्या है, 256 आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है जितनी आपने खर्च करी है, ठीक है ना, तो इसको आप ओरिजिनल कॉस्ट बोल सकते हैं 256 रुपीज़, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि 256 किसके इक्वल होगा, कि आपने जो है कितना जो वॉल्यूम खरीदा है उसकी उसके उस चीज़ को आप कैसे निकालेंगे, आप ऐसे निकालेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वन मीटर या ऐसे लिख लेते हैं इसको प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड कॉस्ट फॉर 1 मीटर
ठीक है, तो किसका प्रोडक्ट है ये, वॉल्यूम का और कॉस्ट का आपकी, जो कि 1 m³ है। ये आपको कितना दिया हुआ है, यही तो है आपका 256, इतने में ही तो आपने लिया है उसको, ठीक है ना। तो आपको ये पता है कि आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए कॉस्ट ऑफ 1 m³ आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे निकल आएगा वॉल्यूम इक्वल टू 256 बाई, ये नीचे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट फॉर 1 m³। तो ये हो गया 256 बाई, ये हो जाएगा 500 आपको दिया है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.512, ठीक है, कितना आ जाएगा इतना। और ये आपका किस में दे रखा है, 1 m³ में दे रखा है, बिल्कुल, तो 1 m³ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका आंसर, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या पूछा है, लेंथ ऑफ ईच साइड आपसे पूछी गई है। लेंथ ऑफ ईच साइड तो है क्या, ये आपका क्यूब है एक, ठीक है। तो आपको पता है एरिया ऑफ जो क्यूब होता है, एरिया ऑफ क्यूब वो होता है साइड का या लेंथ का क्यूब, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्यूब क्या है, 0.152। और यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, साइड मान लीजिए ए है उसकी, तो क्यूब हो गया इसका, ठीक है। अभी देखिए एक्चुअली 512 है क्या, ठीक है, क्यूब बटाना है हमको, वैसे तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। इसको एक काम करिए, इसको ऐसे लिख लीजिए 1000, देखिए 512 होता है आपका 8 का क्यूब, तो 8 बाई 10 का क्यूब आप इसको कर सकते हैं, और ये हो जाएगा ए क्यूब, क्यूब से क्यूब आपका कैंसिल हो गया। तो ये बचेगा आपका 0.8 m इक्वल टू ए, यानी लेंथ कितनी आएगी 0.8, और अगर इसको सेंटीमीटर में आप निकालना चाहते हैं तो 80 cm आ जाएगी इक्वल टू ए। बस ये दो चीज़ें आपसे पूछी थी, तो पहली एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे हम राइट सर्कुलर सिलेंडर। थैंक यू।